Myself Sartaj Singh, Lecturer Chemistry, Government Senior Secondary Smart School, Gagobuha, Taran Taran. प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं तुहाडे नाल केमिस्ट्री यूनिट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ विचला पोर्शन इंट्रोडक्शन टू लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल डिस्कस करांगा. सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट अवर क्लास नाउ. टॉपिक जिस बारे में तुहाडे नाल डिस्कस करना है वो है इंट्रोडक्शन टू लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. प्यारे बच्चों, अपना कॉपी अते पेन अपने कोल रख लो, क्योंकि तुहानू इस लैक्चर के दरम्यान बहुत सारिया ऐसा चीज़ा होनगियां जिहड़ियां नोट करनिया पैणगियां. प्यारे विद्यार्थियों, सानू सब नू पता है कि पीरियोडिक टेबल की है. पीरियोडिक टेबल एलीमेंट्स की एक अरेंजमेंट है, एक टेबल टेबुलर फॉर्म के एक अरेंजमेंट है जो कि उन्होंने गुणों के आधार के उत्ते की गई होंगी है. पर की तुसी जानते हो कि पीरियोडिक टेबल के पितामा कौन हैं? पीरियोडिक टेबल पहला पीरियोडिक टेबल किसने बनाया? तो बच्चों, पहला पीरियोडिक टेबल बनाने वाले शख्स का नाम सी डिमिट्री मेंडलीव. डिमिट्री मेंडलीव जो कि एक रशियन विज्ञानिक सन, उन्होंने पीरियोडिक टेबल नू इनवेंट किया. उस वक्त दे जिन्ने एलीमेंट्स उन्होंने पता सके, 63 के करीब एलीमेंट्स से, उन्होंने एक टेबुलर फॉर्म के अरेंज करते हुए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ईजाद किया. इस पीरियोडिक टेबल के 63 एलीमेंट्स जिहड़े उस वक्त पता सन नू अटोमिक मास के आधार के उत्ते अरेंज किया गया. प्यारे विद्यार्थियों, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेन पॉइंट्स केड़े सन? इन 1869 व्हेन मेंडलीव प्रपोज्ड द पीरियोडिक टेबल, ओनली 63 एलीमेंट्स वर नोन टू अस एंड दे वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अटोमिक वेट्स. प्यारे विद्यार्थियों, मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल दे विच एलीमेंट्स नू उन्हां दे अटोमिक वेट दे आधार दे उत्ते क्लासीफाई किया, जिन्हां दियां फिजिकल ते कैमिकल प्रॉपर्टीज़ एलीमेंट्स दियां आपस विच मिलदियां सन, उन्हां नू एक जगह ते इकट्ठियां रख दिता. इस तरीके नाल उन्हां ने उस वक्त 63 एलीमेंट्स नू उन्हां दे अटोमिक वेट्स, जिन्हों के आपां परमाणु पुंज अते परमाणु अंक होंदे ना अपने को, दो वर्ड्स, तो आपां परमाणु पुंज के आधार के उत्ते उन्होंने इन्हां अरेंज कर दिता और एक पीरियोडिक टेबल बना दिता. सो प्यारे बच्चों, तुहाडे सामने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जिहड़ा आ वो शो हो रहा है. मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल दे विच 63 एलीमेंट्स नू अरेंज किया. मेंडलीव अरेंज द 63 एलीमेंट्स इन हॉरिजोंटल रोज कॉल्ड पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स. ठीक है, तो मेंडलीव ने 63 एलीमेंट्स नू हॉरिजोंटल रोज जिन्हों पीरियड्स कहा जाता है और वर्टिकल कॉलम्स जिन्हों ग्रुप्स कहा जाता है विच अरेंज किया और पीरियोडिक टेबल बनाने करके ही उन्होंने फादर ऑफ पीरियोडिक क्लासीफिकेशन ऑफ एलीमेंट्स भी कहा जाता है. सो तुहाडे सामने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है. मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के कुछ खाली गैप्स भी तुहानू बच्चों दिखाई दे रहे हैं. उपर तुहानू दिखाई दे रहा है कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल के जिहड़ियां रोज़ सीगियां उन्होंने रोमन नंबर के 1, 2, 3, 4 सो ऑन जिहड़ी है नेमिंग जिहड़ी वह दित्ती सीगी. सो यह सीगा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल. हालांकि पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा जिहड़ा ही कामयाब पीरियोडिक टेबल मनिया जाता है, पर फिर भी इहदे विच कुछ कमियां सन. सो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हैड अ ग्रेट सक्सैस. ही वॉज सो बोल्ड इन हिज क्वानटिटेटिव प्रडिक्शंस दैट ही लैफ्ट गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल फॉर द एलीमेंट्स येट टू बी डिस्कवर्ड. यानी कि मेंडलीव जिहड़े सीगे उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल दे विच जिहड़े गैप्स छड्डे सीगे, उन्होंने फ्यूचर विच जिहड़े डिस्कवर होणगे एलीमेंट्स उन्होंने बारे गैप्स भी छड्डे सन और जदों लब्भे और वाकई ही उन्होंने जगह के उत्ते फिट भी किए गए. लेकिन फिर भी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल दे विच कुछ कमियां सन. इन्हां विचों कुछ कमियां बारे आपां गल करांगे. सब तो पहली कमी सी पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स. प्यारे विद्यार्थियों, तुहानू सब नू आइसोटोप्स बारे पता ही होएगा. दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलीमेंट हैविंग सेम एटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. जिस तरह के तुसी हाइड्रोजन दे आइसोटोप्स देख रहे हो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम अते ट्रीटियम, तिन्हां दे विच की फर्क है? प्रोटियम जिहड़ा है उहदे विच एक प्रोटोन है, ड्यूटेरियम दे विच भी एक प्रोटोन है और ट्रीटियम विच भी एक प्रोटोन है. लेकिन आपां देखिए तां इन्हां दे विच न्यूट्रन की संख्या अलग अलग है. प्रोटियम विच न्यूट्रन की संख्या नहीं होंदी, ड्यूटेरियम विच प्रोटोन न्यूट्रॉन की संख्या एक है और ट्रीटियम दे विच न्यूट्रॉन की संख्या दो है. लेकिन जे आपां
मेंडलीव द पीरियोडिक टेबल की गल करिए नो सैपरेट पोजिशनस वर असाइंड टू द आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट एलीमेंट्स. आइसोटोप्स नू रखन दे लई पीरियोडिक टेबल दे विच कोई भी जगह मौजूद नहीं सीगी क्योंकि ए वाला पीरियोडिक टेबल जिहड़ा एटोमिक वेट ते बेस्ड है ते प्रोटियम ड्यूटेरियम अते ट्रीटियम तिन्नां दा ही एटोमिक वेट अलग अलग है पर इन्हां दे विच जगह सिर्फ प्रोटियम नू दित्ती गई यानी कि पहली पोजिशन ते हाइड्रोजन नू रख्या गया लेकिन ड्यूटेरियम अते ट्रीटियम नू इस विच जगह नहीं दित्ती गई. सो पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स की जी लैके जी सी गड़बड़ सी इस करके आप कह सकते हैं कि मेंडली पीरियोडिक टेबल की एक ड्रॉबैक सी. प्यारे विद्यार्थियों दूजी कमी जी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के सू देखने मिली वो सी सिमिलर एलीमेंट्स प्लेसड इन डिफरेंट ग्रुप्स. बहुत सारे ऐसे एलीमेंट्स सन जिन्हों की जोड़े गुण ने वो आपस में रलते सन पर उन्होंने अलग अलग ग्रुप में रख दिता गया. मेन जिहड़े एलीमेंट्स जिवें इस लिखा होया है फॉर एग्जाम्पल बेरियम ते लैड दोनों अलग कर दिता गया. कॉपर ते मरकरी दी प्रॉपर्टीज आपस में रलदियां ने पर उन्होंने भी अलग कर दिता गया. सो ये भी एक कमी सी मेंडलीव दे पीरियोडिक टेबल दी कि सिमिलर एलीमेंट्स विच बीयर सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेसड इन डिफरेंट ग्रुप्स. तीजी जिहड़ी कमी जिहड़ी नोट की गई मेंडलीव जी दे पीरियोडिक टेबल दे विच वो सी डिससिमिलर एलीमेंट्स प्लेसड इन सेम ग्रुप्स. बहुत सारे ऐसे एलीमेंट्स जिहड़े आपस में रलते नहीं सन जिन्हां दे गुण अलग अलग हैं जिन्हां दी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं पर फिर भी उन्हां नूं इक्को ही ग्रुप दे विच जगह दे दित्ती गई सी. इहदे विच कॉपर गोल्ड ते सिल्वर दा नाम प्रमुखता दे रूप दे विच लिया जा सकता है क्योंकि ये तिन्ने ही एलीमेंट्स कॉपर गोल्ड ते सिल्वर जिहड़े ने इन्हां नूं अल्कली मैटल्स नाल रख दिता गया सीगा जदों कि इन्हां दे जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ है वो अल्कली मैटल्स नाल बिल्कुल भी मेल नहीं खांदियां हन. चौथी कमी जिहड़ी सीगी वो सी कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी. मेंडलीव कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन द फिजिकल एंड कैमिकल प्रॉपर्टीज़ के एलीमेंट्स दियां जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ है क्यों मिलदियां ने आपस दे विच कॉज की है पीरियोडिसिटी दा इहदे बारे वो कोई जानकारी नहीं दे सके. और पंजवीं जिहड़ी सीगी कमी वो सी पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की पोजिशन जिहड़ी आ वो वैल डिफाइंड नहीं सीगी. हाइड्रोजन की पोजिशन जिहड़ी जिस जगह पर होनी चाहिए है उत्थे नहीं सी. विद्यार्थी आओ हूँ अगला चीज़ आप डिस्कस करते हैं वो है इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. 1913 एच जी जे मोसले उन्होंने कुछ एक्सपैरीमेंट्स किए और उन्होंने एक्सपैरीमेंट्स तो उन्होंने कंक्लूड किया रिजल्ट कढ़िया कि एटॉमिक नंबर की जगह जिहड़ी है वो एटॉमिक वेट की जगह पर एटॉमिक नंबर जिहड़ा है वो ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नूं कंट्रोल करता वा किसी भी एलीमेंट्स की. सो इन 1913 एच जी जे मोसले कैरिड आउट एक्सपैरीमेंट्स from which he concluded that it is the atomic number and not the atomic weight which is the fundamental property of the element. So उन्होंने मेंडलीव दे पीरियोडिक टेबल नू थोड़ा जिहा चेंज किया मॉडिफाई किया और उन्होंने एक नवा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिता. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द फिजिकल एंड द कैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलीमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबरस. यानी कि फिजिकल अते कैमिकल प्रॉपर्टीज जिहड़ियां ने भौतिक अते रसायनिक गुण जिहड़े ने एलीमेंट्स के दे डिपेंड अपॉन अटोमिक नंबर. उन्हों का अटोमिक नंबर जिहड़ा आ उहदे नाल सीधा संबंध हुंदा है. जस्टिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. Chemical properties of an element depends upon the interaction between the atoms of given element and the other reactant. As nucleus is in the center of the atom, so it has no effect on the chemical properties of the element. Whereas the electrons present come in contact with the element, so the physical and chemical properties depend upon number of electrons and not on the nucleus. The number of electrons depend upon the atomic number, so the physical and chemical properties are also depend upon atomic number. यानी कि chemical अते जिहड़ियां properties ने किसी भी element दियाँ उन्हों का सीधा संबंध atomic number दे नाल है क्योंकि nucleus center दे विच है और electron जिहड़े ने वो बाहर पए हुए हैं nucleus तो बाहर हैं बाहरली region दे विच हैं. इस करके electrons जिहड़े ने उन्हों का सीधा ही जिहड़ा संबंध जिहड़ा पैंदा है वो आर ए एलीमेंट नाल हुंदा है. इस करके आपां कह सकते हैं जिवें डायग्राम दे विच मैं दिखाया है कि इहदे विच की ने कि न्यूकलियस बिल्कुल सेंटर दे विच है जदों कि इलैक्ट्रॉन जिहड़े ने उहदे आले दुआले चक्कर कट रहे हैं. इहदा मतलब है कि जदों भी कोई एलीमेंट आएगा ठीक है जदों भी कोई एलीमेंट इहदे ते अटैक करेगा तो उसनू इलैक्ट्रॉन्स का सामना पहला करना पड़ेगा. इस तो सिद्ध हुंदा है कि कैमिकल प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां ने वो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ते डिपेंड करनगियां.
सो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स जड़े ने उगा एटॉमिक नंबर हुंदा है, इस करके आप कह सकते हैं कि कैमिकल प्रॉपर्टीज़ आर डायरैक्टली रिलेटिड टू एटॉमिक नंबर। तो यही गल मोसले ने कही कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के मुताबिक फिजिकल एंड कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स दे आर कंट्रोल्ड बाय द एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या बोहर्स टेबल, देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ पीरियोडिक टेबल अवेलेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंड अपॉन द क्राइटेरिया फॉलोड। सम ऑफ दीज इम्फेसाइज्ड ऑन कैमिकल रिएक्शंस एंड वेलेंसी, वेयर एज सम प्रेफर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। आउट ऑफ वेरियस फॉर्म्स द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल विच इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। दिस पीरियोडिक लॉ इज कॉल्ड बोहर्स टेबल एज इट फॉलोज बोहर्स मैथड फॉर द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। प्यारे विद्यार्थियों, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जिहड़े है इहदे विच बहुत सारिया फॉर्म सानू अवेलेबल ने, कुछ जिहड़िया ने वैलेंसी दे नाल संबंधित ने, कुछ जिहड़िया ने वह कैमिकल रिएक्शन जिहड़िया किद्दां हो रहियां ने इहदे नाल रिलेटेड ने, कुछ इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नाल रिलेटेड ने, लेकिन सब तो बेस्ट जिहड़ी है पीरियोडिक टेबल वह बोहर का टेबल है जिस दे विच अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलैक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस जिहड़ा वा उहदे ते आधारित है। सो प्यारे विद्यार्थियों, इस वक्त तुहाडे सामने है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दे विच कुल 18 ग्रुप हैं, जिदा तुसीं देख रहे हो एक तो लैके 18 तक नंबरिंग है, और इन्हां नूं आपां ग्रुप कहिंदे हां। जिहड़ियां जिहड़ी साडे कोल कॉलम्स हैं इन्हां नूं 18 कॉलम जिहड़े ने इन्हां नूं आपां कह दिंदे हां ग्रुप्स। और इस तों अलावा 7 साडे कोल पीरियड्स हैं, जिहड़ियां हॉरीजोंटल रोज़ ने वह 7 ने, और इन्हां नूं आपां कह दिंदे हां पीरियड्स। यानी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दे विच 18 ग्रुप अते 7 पीरियड जिहड़े ने वह मौजूद ने। हर एक ग्रुप एक नवे एलीमेंट नाल शुरू हुंदा है, और हर पीरियड जिहड़ा है एक नवे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नाल शुरू हुंदा है। मेन फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। प्यारे बच्चों, जिदा आपां नूं पता है कि मेंडलीव जी दे पीरियोडिक टेबल जिहड़ा सीगा वह एटॉमिक वेट ते आधारित सी, लेकिन यह जिहड़ा पीरियोडिक टेबल है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जी है, इन दिस द एलीमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इनक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इंस्टैड ऑफ एटॉमिक वेट। जिमें सिलीकॉन का एटॉमिक वेट जिहड़ा है वह है 28 और एटॉमिक नंबर है 14, तो यह पीरियोडिक टेबल जिहड़ा है 14 एटॉमिक नंबर के आधार के उत्ते ही सिलीकॉन की पोजिशन जिहड़ी है उसनों रखेगा। सिमिलरली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर लगभग 16 है, तो यह जिहड़ा पीरियोडिक टेबल है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर 8 के हिसाब के नाल ही ऑक्सीजन की पोजिशन जिहड़ी है उसनों सैट करेगा। सैकेंड पॉइंट, देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। The elements having similar electronic configuration in their atoms are placed in same group in increasing atomic number down the group. These 18 groups are numbered as 1 to 18 on the recommendation of IUPAC. Earlier these groups were termed as 1A, 2A, 7A, 1B, 7B or 0. So jehda modern periodic table hai usde vich kul 18 vertical column han jinna nu group keha janda hai, और इस तों अलावा 7 पीरियड्स हैं। ये जिहड़े ग्रुप्स हैं इन्हां नूं पहलां 1A, 2A, 1B, 2B, सो ऑन इस तरीके नाल लिखा जांदा सी, पर IUPAC ने इन्हां नूं, जिहड़ी IUPAC संस्था है उसने इस नूं 1-2 लै के 18 तक लिखण दी जिहड़ी रिकमेंड कर दित्ती गई, और इस नूं इस तरीके नाल ही हुण लिखा जांदा है। पॉइंट नंबर 3, हॉरिजोंटल रोज प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, and there are 7 periods in the periodic table which are numbered from 1 to 7 corresponding to the highest principal quantum number of the elements in the period. jehda modern periodic table hai is de vich kul 7 period han jinna nu 1 ton leke 7 tak di numbering ditti hai, kyunki sade kol highest principal quantum number hi 7 hai, is karke ede vich 7 period jehde ne hain, aur har ek period jehda hai oh ek nave hi principal quantum number naal shuru hunda hai. Now, information about groups. The first two groups on the extreme left, that is first and second, and the last 6 groups on the extreme right, that is 13 to 18, represent the main groups of the periodic table. Elements of these groups have all their inner shells complete and only the outermost shell is incomplete.
The elements of these groups are also known as normal elements or representative elements. The elements of 18 group are also called noble gases or inert gases. So jede pehle do group han periodic table de vich pehla te dooja ate aakhri wale jede 13 to leke 18 tak 6 group han inna saryan nu collectively assi normal elements ya representative elements aakde ha kyunki inna de vich jada outermost shell hai ਉਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨਰ ਸ਼ੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਦ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਗਰੁੱਪ ਫਰੋਮ ਅ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਜਲੀ ਨੇਮਡ ਆਫਟਰ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੋਰੋਨ ਫੈਮਿਲੀ ਗਰੁੱਪ 13 ਕਾਰਬਨ ਫੈਮਿਲੀ ਗਰੁੱਪ 14 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫੈਮਿਲੀ ਗਰੁੱਪ 15 ਆਕਸੀਜਨ ਫੈਮਿਲੀ ਗਰੁੱਪ 16 ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦੀਜ਼ ਗਰੁੱਪਸ have a typical name also. For example, alkali metals group 1, then alkaline earth metal group 2, chalcogens group 16, halogens group 17, and noble gases group 18. Jede groups ne ina de kuch alag naam bhi hege ne jede main hune tade samne jede bolle ne e naam bhi ina de hege ne. Hun apa group number 1 di je apa gal kariye ta group number 1 de vich jede members aunde a ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਲੀਥੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਰੂਬੀਡੀਅਮ ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਸ਼ੀਅਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮੋਨਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮੋਨਿਕ ਹੈ ਲੀਨਾ ਕਰੇ ਰੱਬ ਸੇ ਫਰਿਆਦ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੀਨਾ LI ਫੋਰ ਲੀਥੀਅਮ NA ਨਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਰੇ ਕੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਰੱਬ RB ਰੂਬੀਡੀਅਮ ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਕਰੇ ਫਰਿਆਦ FR ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਵੀ ਕੈਨ ਲਰਨ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ਲੀ ਇਨ ਅ ਆਰਡਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਲਕਾਲੀਨ ਅਰਥ ਮੈਟਲ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 2 ਇਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਿਮੋਨਿਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਿਮੋਨਿਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮਾਂਗੇ ਕਾਰ ਸੈਂਟਰੋ ਬਾਪ ਰਾਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਟ੍ਰੋਨਸ਼ੀਅਮ ਬੇਰੀਅਮ ਅਤੇ ਰੇਡੀਅਮ ਤਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ BE ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਮਾਂਗੇ MG ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੈਨ ਕਾਰ CA ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੈਂਟਰੋ SR ਸਟ੍ਰੋਨਸ਼ੀਅਮ ਬਾਪ BA ਬੇਰੀਅਮ ਐਂਡ ਰਾਜ਼ੀ RA ਰੇਡੀਅਮ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਮੋਨਿਕ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡ ਨੰਬਰ 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਟਿਟੈਨੀਅਮ ਵੈਨੇਡੀਅਮ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਆਇਰਨ ਕੋਬਾਲਟ ਨਿੱਕਲ ਕਾਪਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਨਿਮੋਨਿਕ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਵਿਨੋਦ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਬੱਚੋ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਨਿਮੋਨਿਕਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਸੋ ਸਾਇੰਸ SC ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ ਟੀਚਰ TI ਟਿਟੈਨੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਨੋਦ V ਵੈਨੇਡੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ CR ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮੈਂਗਾਨੀਜ਼ MN ਫੇਵਰੇਟ FE ਆਇਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ CO ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਬਾਲਟ ਨਹੀਂ NI ਨਿਕਲ ਕੋਈ CU ਕਾਪਰ ਔਰ ਜ਼ਾਨੇ ZN ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਕ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਰੀਅਡ ਨੰਬਰ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਯਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਨਿਭਾਓ ਮੌਤ ਤੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਰਾਹ ਪੜੇ ਆਗ ਮੇ ਕੂਦੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰੀ Y ਯਟਰਬੀਅਮ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਰਕੋਨੀਅਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ NB ਨਿਓਬੀਅਮ ਮੌਤ ਮੋਲੇਬਿਡਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਥੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰੂਥੇਨੀਅਮ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਡੀਅਮ ਪੜੇ ਪੈਲੇਡੀਅਮ ਆਗ ਸਿਲਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਕੂਦੋ ਤੋਂ CD ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਡਮੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੀਰੀਅਡ ਨੰਬਰ 6 ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾ ਹਫਤਾ ਵਰਨਾ ਰੇ ਉਧਰ ਇਧਰ ਪਿਟਾਈ ਔਰ ਹੋਗੀ ਲਾ LA ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਂਥੈਨਮ HF ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ TA ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਂਟੈਲਮ W ਹੋ ਗਿਆ ਤੰਗਸਤਨ RE ਓਸਮੀਅਮ OS ਹੋ ਗਿਆ ਈਰੀਡੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਧਰ ਤੋਂ ਪਿਟਾਈ ਤੋਂ ਪਲੈਟੀਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਤੋਂ AU ਗੋਲਡ ਔਰ ਹੋਗੀ HG ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਕਰੀ ਹੋਗੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਮੋਨਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮੋਨਿਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਇਸ ਨਿਮੋਨਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 13 ਬੋਰੋਨ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਨਿਮੋਨਿਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
बैंगन आलू गाजर इन थैला। इट्स द मेंबर्स हैं बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम अते थैलियम। बैंगन बी बोरोन, आलू ए एल एल्युमिनियम, गाजर जी ए गैलियम, आई एन इन इंडियम और टी एल थैलियम। साढ़े कोले दे निमोनिक बन जाता है। इस तरीके नाल कार्बन फैमिली ग्रुप नंबर 14 के मैंबर जिहड़े ने कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन अते लैड नू लर्न करना होवे तां निमोनिक साढ़े कोल है। कैप्टन सिकंदर गए सन पंजाब, कैप्टन सी कार्बन, सिकंदर एस आई सिलीकॉन, जी ई जर्मेनियम, एस एन टिन हो गया साडा और पंजाब पी बी लैड जिहड़ा साढ़े कोल हो जाएगा। इस तरीके नाल आपां लर्न कर सकते हाँ। ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली। इस दे विच मैंबर्स आउंदे हन नाइट्रोजन, फॉसफरस, आर्सनिक, एंटीमनी अते बिस्मथ। इन्हां मैंबर्स नूं जे तुसीं लड़ी दे विच लर्न करना है, तरतीब विच लर्न करना है, तां इसलिए निमोनिक है नहीं पापा असी सब बीमार। नहीं नाइट्रोजन, पापा फॉसफोरस, आर्सनिक असी तो, सब तो एस बी एंटीमनी और बी आई बिस्मथ बीमार तो आपां बना सकते हैं। इस तरीके नाल ग्रुप नंबर 16 जिहड़ी कि ऑक्सीजन फैमिली है, इस दे मैंबर हन ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टलूरियम अते पोलोनियम। इन्हां नूं लर्न करन लई निमोनिक है उस से तेरा पूछा। उस ऑक्सीजन अते सल्फर, से सिलीनियम, तेरा टी ई टलूरियम और पूछा पी ओ पोलोनियम। इस तरीके नाल आपां ग्रुप नंबर 16 नूं ही आसानी नाल लर्न कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 17 जिसनों असी हैलोजनस दा नाम दिता है, इस दे विच मैंबर्स आउंदे हन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अते एस्टानीन। इन्हां लई निमोनिक है साढ़े कोल फ्री केक बर्गर इन ऑस्ट्रिया। सो फ्री एफ फ्लोरीन, केक सी एल क्लोरीन, बर्गर ब्रोमीन बी आर, इन आई तो देखो गया आयोडीन और ऑस्ट्रिया दे विच ए टी तो हो गया एस्टानीन। इस तरीके नाल ही ग्रुप नंबर 18 जिसनों नोबल गैसेज भी कहा जाता है, इस दे विच मैंबर्स आउंदे हन हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडॉन। इन्हां नूं लर्न करन दे लई निमोनिक है हजे नहीं आया क्यों एक्सरे। हजे हीलियम, नहीं नियॉन, आया ए आर, क्यों के आर क्रिप्टॉन, एक्स एक्सी जीनॉन और रे आर एन तो साडा रेडॉन है। सो इस तरीके नाल निमोनिक मैथड दे नाल असी बड़ी आसानी दे नाल पीरियोडिक टेबल नूं ऑर्डर वाइज जिहड़े एलीमेंट्स है उन्हां नूं लर्न कर सकते हाँ। इन बिटवीन ग्रुप 2 एंड 13 देयर आर 10 कॉलम्स विच कॉन्स्टिट्यूट ग्रुप 3, 2, 12। द एलीमेंट्स प्रेजेंट इन दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलीमेंट्स। दीज एलीमेंट्स शो ट्रांजिशन और चेंज इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द रिएक्टिव मेटल्स ऑन देयर लेफ्ट टू द नॉन मेटल्स ऑन देयर राइट। सो ग्रुप नंबर 2 तो लैके 13 के जोड़े ग्रुप्स ने इन्हों के जोड़े एलीमेंट्स ने इन्हों ट्रांजिशन एलीमेंट्स कहते हैं क्योंकि इन्हों प्रॉपर्टीज़ जड़िया ने जिड़िया खब्बे बन्ने पे हुए रिएक्टिव मैटल्स ने और जोड़े सज्जे बन्ने पे हुए नॉन मैटल्स ने उन्होंने इन्हों प्रॉपर्टीज़ जड़िया चेंज होंदिया ने रिएक्टिव तो नॉन मैटल्स वाल, इस करके इन्हों ट्रांजिशन मैटल्स कहते हैं। देयर आर 14 एलीमेंट्स प्रेजेंट आफ्टर लैंथेनम atomic number 57 and 14 elements just after actinium atomic number 89 which are placed at the bottom of the main table. jehda main periodic table hai ode bottom de utte do lines alag hi likhiyan hoyian ne. ina elements nu si lanthanoids aur actinoids kehnde han. ina nu niche is karke rakhya gaya hai periodic table de vich kyunki ede naal jehdi undue sidewise expansion ho jandi si periodic table di, is karke ina elements nu नीचे बॉटम पर रखा गया है और इन एलीमेंट्स नूं असी इनर ट्रांजिशन एलीमेंट्स भी कहते हाँ। इनफॉर्मेशन अबाउट पीरियड्स। एज वी नो देयर आर 7 पीरियड्स इन ऑल एंड दे आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7 फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जिहड़ा पीरियड हर कोई पीरियड जिहड़ा आ वो नवें ही एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नाल शुरू हुंदा है। पहले पीरियड की जेकर आपां गल करिए तां पहले पीरियड दे विच 2 एलीमेंट्स हन और इसनों सब तो छोटा पीरियड शॉर्टेस्ट पीरियड्स कहा जाता है। इस भी सिर्फ दो ही मैंबर आते हैं हाइड्रोजन अते हीलियम और इस पीरियड दे विच जिहड़ी इनवॉल्वमेंट हुंदी है वह हुंदी है फर्स्ट एनर्जी लैवल की। इहदे विच फिलिंग ऑफ फर्स्ट एनर्जी लैवल जिहड़ा वा वह हुंदा है। सैकेंड अते थर्ड पीरियड जिहड़ा है इट कंटेन्स 8 एलीमेंट्स ईच। सैकेंड पीरियड बिगिनस विद लीथियम एटॉमिक नंबर 3 एंड एंड्स एट नियॉन एटॉमिक नंबर 10। The elements of this period are also called bridge elements. The second period begins with the filling of electrons in second energy level. Similarly, the third period starts with element sodium which has atomic number 11 and ends with argon which has atomic number 18.
The third period involves filling of electrons in the third energy level. So हर कोई जिहड़ा पीरियड है एक नवे ही जिहड़ी एनर्जी लैवल है उस नाल शुरू हुंदा है. The fourth and the fifth period consist of 18 elements each. The fourth period begins with potassium, atomic number 19, and ends at krypton, atomic number 36. This period involves filling of electrons in fourth energy level. The fifth period begins with rubidium, atomic number 37, and ends with xenon, atomic number 54. It involves the filling of the fifth energy level, and it contains 18 elements in total. Its elements starts from rubidium and ends at xenon. Similarly, the sixth period consists of 32 elements, which start with cesium, atomic number 55, and ends at radon, atomic number 86. The 14 elements known as lanthanoids, following lanthanum, atomic number 57, from cerium to lutetium, atomic number 58 to 71, are also a part of this period. The seventh period also contains 32 elements. It begins with filling of electrons in the seventh energy level. This period begins with francium, atomic number 87, and ends with organisin, atomic number 118. Like sixth period, the 14 elements of this period, following actinium, atomic number 89, are known as actinoids. Thorium to laurentium, atomic number 90 to 103, these are also called inner transition elements. Lanthanoids and actinoids are separately placed below the main table to avoid undue expansion of periodic table. Or last is chapai bhi keh sakde hain, the first three periods containing 2, 8 elements are respectively called short period, and the next three periods containing 18 and 32 elements are called long periods. Advantages of long form of periodic table. This classification was based on atomic number. The problem of isotopes were solved. It is easy to remember and reproduce. Lanthanoids and actinoids have different properties, so they are placed at the bottom of the periodic table. So ye sariyan jehdiyan ne ye sade kol advantages sigiyan periodic table diyan. Defects of periodic table. The position of hydrogen is not yet settled. Lanthanoids and actinoids have not been accommodated in the main body of the periodic table. Vidyarthiyo, मैनू उम्मीद है कि मेरे इस लैक्चर तो बाद तुहाडे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बारे सारे डाउट्स क्लीयर हो गए होणगे अते तुसी हुण इस टॉपिक नू चंगी तरह समझ गए होवोगे. धन्यवाद.